बीसीडी टैग के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन की बैटरी फूल जाए तो क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। मैं हूं डॉक्टर भुवेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टैग यूट्यूब चैनल को। अगर आपने अभी तक बीसीडी टैग को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टैग और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। सबसे पहले जानते हैं कि मोबाइल फोन की बैटरी फूलती क्यों है। तो यहाँ पर मोबाइल फोन की बैटरी के अंदर होते हैं कुछ केमिकल्स जिसको काफ़ी डेंसली पैक किया जाता है एक केसिंग के अंदर। अगर आप लिथियम आयन बैटरी को देखोगे तो इसके अंदर भी दोस्तों कंस्ट्रक्शन वैसी है, बिल्कुल सेम मटेरियल है, बट यहाँ पर जो पैकेजिंग है वो सॉलिड है, मतलब कि एक मेटल की है। तो ऐसे केस में अगर बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर राइज करता है और केमिकल एक्सपेंड करते हैं तो जो मेटल की केसिंग है वो बैटरी को फूलने से यहाँ पर बचाती है। जबकि दोस्तों लिथियम पॉलीमर बैटरीज में जिसमें आउटर केसिंग प्लास्टिक की होती है, तो ऐसे केस में अगर इंटरनल केमिकल एक्सपेंड करता है या फिर बैटरी में कोई डिफॉर्मेशन आती है तो वो आराम से विजिबल हो जाती है, तो इसी वजह से बैटरी आपको फूली हुई नज़र आती है। तो मोबाइल फ़ोन की बैटरी के फूलने का कारण दोस्तों टेम्परेचर में राइज है, जिसकी वजह से जो केमिकल्स हैं, जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो एक्सपेंड करते हैं और इसी वजह से बैटरी फूल जाती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी का टेम्परेचर राइज क्यों करता है। तो यहाँ पर अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को रेगुलरली चार्ज कर रहे हो, मतलब कि आपका मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम कर रहा है, तो ऐसे केस में बैटरी अपनी अगर कैपेसिटी से ज़्यादा करंट डिलीवर कर रही है तो वो गर्म हो जाएगी। ऐसे दोस्तों अगर आप अपनी बैटरी को फास्टली चार्ज करते हो, मतलब कि दमदार तरीके से चार्जिंग करते हो, तो ऐसे केस में भी बैटरी गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर आप जितना ज़्यादा बैटरी को यूज़ करोगे, जितनी जल्दी इसको डिस्चार्ज करोगे और जितनी जल्दी इसको चार्ज करोगे तो ये बैटरी गर्म होगी। मतलब कि आप अगर कोई हैवी टास्किंग करते हो, हैवी गेमिंग करते हो और लगातार करते हो, तो ऐसे केस में बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर राइज कर जाता है और उसकी वजह से जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एक्सपेंड कर जाते हैं और ऐसे केस में बैटरी फूल जाती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर बैटरी आपकी फूल जाए क्या उस बैटरी को यूज़ करना सेफ रहेगा। अगर आप फुली बैटरी को ज़्यादा दिन तक यूज़ करते हो तो बैटरी के फटने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, साथ में केमिकल लीकेज के जो चांसेस हैं वो भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी फूल रही है तो आप जितनी जल्दी हो सके उसको रिप्लेस करें। अगर आप फिर भी यूज़ करना चाहते हो तो उसको नॉर्मली, मतलब कि बहुत धीरे धीरे यूज़ करें ताकि जो बैटरी है वो ज़्यादा गर्म ना हो, तो आप इस तरीके से फूली हुई बैटरी को सेफली यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर दोस्तों आपकी बैटरी हद से ज़्यादा फूल चुकी है तो मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगा कि आप जितनी जल्दी हो सके उसको रिप्लेस करें, और यहाँ पर रिप्लेस जेन्युइन बैटरी से करें और उसी कैपेसिटी की बैटरी से करें जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में डली हुई है। तो ये तो हो गया दोस्तों कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी बैटरी फूल जाए। बाकी अगर आप अपनी बैटरी को नॉर्मल करना चाहते हो, मतलब कि अगर बैटरी फूल चुकी है और उसको आप वापस प्लेन करना चाहते हो, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डेमोंस्ट्रेशन के लिए अपने लैपटॉप की बैटरी आपको दिखा देता हूँ। तो इसको मैं बहुत रफली यूज़ करता था, काफ़ी इंटेंसली यूज़ करता था और इसी वजह से जो बैटरी है वो फूल गई है। तो आइए दोस्तों इस बैटरी को बाहर निकालते हैं। तो ये है दोस्तों लैपटॉप की बैटरी, और देख सकते हो कि इधर वाली दो बैटरीज काफ़ी फूल चुकी हैं एज़ कम्पेयर टू दिस साइड। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बैटरी को ठीक किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो बाहर वाला कवर है, जो रैपिंग प्लास्टिक है या फिर पेपर है, उसको आपको निकालना होगा। तो आइए यहाँ पर भी हम लोग यही कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दोनों बैटरी को एक्सपोज कर दी है और आप देख सकते हो कि दोनों बैटरीज अभी फूली हुई हैं। तो यहाँ पर आपको सूजन कम करने के लिए बैटरी को पंचर करना होता है, और यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखें कि आपको पंचर ऐसे करना है कि जो आप सुई लेते हो या फिर जो भी आप पंचर करने के लिए पिन लेते हो उसको सीधा ना डालें, ऐसे ना डालें, आप उसको हॉरिजेंटली डालें। तो यहाँ पर उसको हॉरिजेंटली डालना है और उससे पंचर करना है, और उसके बाद जो हवा है इसके अंदर जो फिल हो चुकी है उसको निकाल देना है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो हवा थी जो अंदर फिल हो चुकी थी उसको निकाल दिया है दबा दबू के, और उसके बाद जो प्रोफाइल है वो काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएगा, जो बैटरी की सूजन है वो कम हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना है कि मुझे इस पंचर को या फिर इस छेद को बंद करना है, तो आपको छोटी सी टेप लेनी है और इस होल को बंद कर देना है, तो जो बैटरी की सूजन थी वो कम हो जाएगी। तो जैसे ये कम हो जाएगी तो आप
अब वापस जो रैपिंग प्लास्टिक है उसको वापस लगा दीजिए, और जैसे कि इस केस में ऊपर वाली बैटरी भी लीक हो रही है तो इसको भी मैं पंचर कर देता हूँ, और उसके बाद इसकी हवा को भी निकाल देता हूँ, और फिर एक टेप से इस पंचर को सील कर देता हूँ। तो अब जो सूजन है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, बट दोस्तों अभी भी रहेगी और ये काफ़ी समय तक रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन की बैटरी या फिर अपने लैपटॉप की बैटरी की जो सूजन है उसको कम कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आपके मोबाइल फ़ोन की या फिर लैपटॉप की बैटरी फूल रही है तो उसको जल्दी से रिप्लेस करने की कोशिश करें। ऑल्दो इस तरीके से आप कुछ समय तक काम चला सकते हैं, बट यहाँ पर रिकमेंडेशन यही है कि जितनी जल्दी हो सके बैटरी को रिप्लेस करने की सोचें। अगर आप उसको फिर भी यूज़ कर रहे हो तो उसको उतना ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में यूज़ ना करें। मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हो, बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हो या फिर लैपटॉप को यूज़ करते हो तो उसको यूज़ करना कम करें, कम चार्ज करें, ताकि जो बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर है वो ज़्यादा राइज ना करे। तो यहाँ पर मैं फिर से कहूँगा, अगर आपकी बैटरी फूल रही है तो उसको जितनी जल्दी हो सके रिप्लेस करने की कोशिश करें। तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया कि मोबाइल फ़ोन की अगर बैटरी फूल रही है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करूँगा कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपने चैनल पर बना रखी हैं और आगे भी आती रहेंगी। अगर आप उन वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहते हो तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।